उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में ओपनिंग बैट्समैन की भूमिका में शानदार पारी खेली है। और भाइयों बहनों, उनका समर्थन करके मैं दिल्ली की जीत की ओपनिंग के लिए आपके बीच में आया हूं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर के लिए मंडावली में रैली की। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। योगी ने राहुल प्रियंका के लिए शहजादा और शहजादी शब्द का इस्तेमाल किया। जब वह फेल हुए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में कांग्रेस की शहजादी को उतारा और उसके बाद क्या स्थिति हुई, अमेठी के मासूम बच्चों को गाली सिखा रही है। हमने कहा भी ये गाली इटली वालों को दिलवाइए। कांग्रेस के अलावा सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। योगी ने कहा, लोग हैरान हैं कि उन्होंने केजरीवाल को मुख्यमंत्री क्यों चुना। मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी ये देख करके कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री वे यहाँ की शासन व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री बने हैं या धरना प्रदर्शन के मुखिया हैं, यही तय नहीं हो पाता है। दरअसल पूर्वी दिल्ली में गौतम गंभीर के सामने कांग्रेस ने जहां अरविंदर सिंह लवली को उतारा है, वहीं आम आदमी पार्टी ने आतिशी मरलेना को उम्मीदवार बनाया है। आतिशी के लिए एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और जिग्नेश मेवानी ने प्रचार किया। जब से वो लोग दिल्ली में आए हैं उन्होंने जिस किस्म का काम किया है, खास करके शिक्षा आतिशी जी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य के एरिया में, वो काबिले तारीफ है। जब चपरासी का बेटा और राष्ट्रपति का बेटा एक बेंच पर बैठकर पढ़े और उस दिशा में कदम रखने की कोशिश ईमानदारी के साथ किसी ने किया है तो उसमें आतिशी का अहम रोल है। आतिशी मरलेना के प्रचार में स्वरा और जिग्नेश के उतरने को भी बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। दिल्ली में सातों सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहने का आरोप लगा रही है।